हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है अगेन अ मिंत्रा हॉल। सो गाइज, आज के वीडियो में जो आउटफिट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल ही पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए अप्रोप्रिएट हैं। उसके साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक भी प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज, अगर आप कुछ कंफर्टेबल ट्राई करना चाहते हो उसके साथ ही स्टाइलिश भी दिखना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वाले आउटफिट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सभी के प्राइसेस मैं स्क्रीन पर मेंशन करती जाऊंगी और लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सो गाइस, जो सबसे पहला सूट सेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्रांड लिबास से। तो ये वाला एक कुर्ता सेट है लेकिन थोड़ा सा हटके है। ये वाला कुर्ता एंड प्लाजो का सेट है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुर्ते से। तो ये वाला आपको जो ब्रिक कलर होता है बिल्कुल वैसा ही मिल जाता है। इसमें आपको कुछ इस तरीके की नेक मिल जाती है। फैब्रिक की बात करूँ तो रेयॉन फैब्रिक में रिसीव होता है एंड पोलका डॉट्स पूरे ही कुर्ते पर आपको मिल जाते हैं। एंड लुक एट दी स्लीव्स गाइस, देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट टाइप की स्लीव्स इन्होंने डिज़ाइन की हुई हैं। एस यू कैन सी, आपको इसमें फुल स्लीव्स मिलती हैं एंड जो यहाँ पर आप कपड़ा देख रहे हो ये वाला आपको प्योर कॉटन में रिसीव होता है एंड इसी कपड़े का इन्होंने इसका बॉटम डिज़ाइन किया है। कुर्ता काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है इसका, देख सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है इसका कुर्ता। दोनों साइड में आपको स्लिट मिल जाती है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है कुर्ता एंड फ्रंट एंड बैक से दोनों साइड से सेम ही दिखता है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में और यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है ये वाला। लिबास ब्रांड के साथ जब भी आप शॉप करो तो हमेशा एक साइज अप जाकर परचेस करोगे तो फिटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। ना अगर आप अपने साइज में परचेस करते हो तो ये आपको बस्ट एरिया से थोड़ा सा टाइट हो सकता है। एंड गाइज, मुझे सबसे अच्छा लगा इसका बॉटम। तो ये वाला आपको पूरा ही कॉटन फैब्रिक में रिसीव होता है। लुक एट द प्रिंट गाइज, पूरी ही मल्टी कलर से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल जाती है। दोनों साइड में आपको इसमें पॉकेट मिल जाती है, देख सकते हो। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि दोनों साइड में आपको पॉकेट मिल जाती है। इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ ही वाला प्लाजो आपको रिसीव होता है। प्लाजो बोल लीजिए या कुछ डिफरेंट टाइप का बॉटम बोल लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो देख सकते हो लंबाई काफ़ी अच्छी है इसकी एंड देख सकते हो इसे कुछ अलग टाइप से डिज़ाइन किया गया है। नीचे के साइड में आपको पूरा ही यहाँ पर यू की शेप मिल जाती है एक साइड में एंड यहाँ पर इन्होंने कट भी दे रखा है, देख सकते हो। तो पहनने के बाद लुक काफ़ी डिफरेंट आता है। रेगुलर प्लाजो से थोड़ा सा डिफरेंट इसका लुक आता है एंड मुझे तो ये वाला बहुत सुंदर लगा क्योंकि इसका कुर्ता भी कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है एंड इसका बॉटम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं इस वाले पीस को हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको स्टॉक में मिल जाता है तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है, उसके साथ ही काफ़ी कम्फर्टेबल भी है। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे इस वाले आउटफिट के बारे में। तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ये वाला कुर्ता सेट आपको दुपट्टे के साथ रिसीव होता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो इस वीडियो को भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो ईयरिंग्स मैंने अभी पहन रखी है इसका भी वीडियो चैनल पर जल्द ही आने वाला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीस की तरफ। सो गाइज, ये वाला पिक किया है मैंने ब्रांड हियर एंड नाउ से। तो इसमें आपको तीन चीज़ें मिल जाती हैं, क्रॉप टॉप, बॉटम एंड जैकेट। तो शुरुआत करेंगे क्रॉप टॉप से। लुक एट द पीस गाइस, बहुत ही सुंदर सा प्रिंट हो रखा है, देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट एंड साथ में यहाँ पर आपको येलो के भी प्रिंट मिल जाते हैं। तो प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। राउंड नेक आपको मिल जाती है एंड पूरी ही नेक को आप देख सकते हो गोल्डन कलर की पाइपिंग से हाईलाइट किया है। स्लीवलेस क्रॉप टॉप आता है ये एंड क्रॉप टॉप की लेंथ छोटी नहीं लगी मुझे। अमूमन जो क्रॉप टॉप्स हमको रिसीव होते हैं वो क्रॉप टॉप की लेंथ छोटी होती है बट इसकी लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं है, देख सकते हो लेंथ काफ़ी अच्छी है। बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है एंड बैक साइड में पूरी ही आपको जिप मिल जाती है, देख सकते हो। तो इसे पहनना काफ़ी ईजी हो जाता है बट यहाँ पर इन्होंने ज्वाइंट किया हुआ है तो ये खुलेगा नहीं, बट आप इसे ईजिली पहन लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड नीचे के साइड में आपको पॉम्पॉम्स मिल जाते हैं, देख सकते हो। तो इसे और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। अगर आप चाहो तो किसी दूसरे भी स्कर्ट के साथ या फिर किसी दूसरे भी साड़ी के साथ भी आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हो। तो मुझे ये वाली स्टील डील लगी, तो इसका क्रॉप टॉप भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फैब्रिक की बात करूँ मैं तो आपको प्योर कॉटन फैब्रिक में रिसीव होगा। इसके साथ आपको सेम फैब्रिक एंड सेम प्रिंट में ही प्लाजो रिसीव होता है। लुक एट दी प्लाजो गाइस, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ दोनों तरफ आपको इसमें पॉकेट मिल जाती है। एज यू कैन सी दोनों साइड में पॉकेट मिलेगी एंड लुक एट दी घेरा गाइस, बहुत ही ज़्यादा घेरा है इसमें। लंबाई भी काफ़ी अच्छी है एंड घेरा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो
ये एक लेग का मैं आपको घेरा दिखा रही हूँ। पहनने के बाद लुक पूरा ही आपको स्कर्ट वाला आता है। ट्राई ऑन में आप लुक पूरा देख ही सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद, कंफर्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा है। एक कलर इसका ज़रूर वाइट है, बट इसका क्रॉप टॉप एंड इसका बॉटम बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। इस तरीके के आउटफिट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड हैं। अगर आप इस तरीके के आउटफिट्स नहीं पहनते हो, फिर भी आपको एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। उसी के साथ आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी दिखते हो इस तरीके के कपड़ों में। तो ये वाला आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। सो गाइस, अब बारी है इसके मेन हाईलाइट की, जो है इसका जैकेट। पूरा ही आपको ए लाइन में इसका जैकेट रिसीव होता है। लुक एट दी प्रिंट गाइस, बहुत ही सुंदर सा प्रिंट दे रखा है। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो जो ये प्रिंट है, जो हियर एंड नाउ ब्रांड का लोगो है, बिल्कुल ही सेम दिखता है। तो वही प्रिंटिंग इस जैकेट पे की गई है। प्रिंट बहुत ही सुंदर लगता है आपको। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में वी नेक मिल जाएगी, एंड अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पोटली वाले बटन्स भी मिल जाते हैं, ताकि आप इसे अच्छे से बंद कर सको आगे से। चोली पार्ट तक आपको पूरी ही फिटिंग मिलेगी, एंड उसके बाद पूरा ही फ्लेयर बनाया हुआ है इसका। पूरा ही श्रग जो है वो आपको ए लाइन में रिसीव होता है। फ्लेयर मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड ये फ्रंट पूरा ही ओपन हो जाता है। इसमें आपको ब्रेसलेट स्लीव्स मिल जाती हैं। फैब्रिक की बात करूँ तो प्योर कॉटन फैब्रिक में रिसीव होता है। जैकेट बहुत ही सुंदर है इसका, दूसरे भी किसी आउटफिट्स के साथ इजीली कैरी कर सकते हो आप। इवन आप इसे जीन्स के साथ भी ट्राई करोगे तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। सो गाइज, मेरी रिकमेंडेशन पर एक बार इस वाले को आप परचेस करके देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लगने वाला है एंड लुक बहुत ही सुंदर आएगा इसके साथ आपका। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय।